बिलासपुर नगर के स्थित राजपुरा गांव के नौवा के म्यांक वैद जो कि हांगकांग में रह रहे हैं, उन्होंने एक ऐसी मिसाल पेश की है जिससे हर कोई उनकी तारीफ करने से भी पीछे नहीं हट रहा है। पेशे से मल्टीनेशनल कंपनी के सीनियर लॉयर म्यांक वैद ने कोरोना महामारी के दौरान पीड़ित मानवता की सेवा के लिए जिला बिलासपुर के लिए 24 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजे हैं। ये 24 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें अगले सप्ताह बिलासपुर पहुंच जाएंगी। म्यांक के भाई लक्ष्य वैद ने ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर भारत आने की पुष्टि करते हुए बताया कि कुछ दिनों के बाद ही ये मशीनें बिलासपुर पहुंच जाएंगी, जिसके बाद जिला अस्पताल और कोविड केयर सेंटर जहां आवश्यकता होगी वहां इन्हें भेज दिया जाएगा। आपको बता दें कि म्यांक ने कुछ मशीनें हांगकांग से खरीदी जबकि कुछ चीन व अन्य देशों से अपने बिलासपुर के लिए मंगवाई हैं। म्यांक ने बताया कि इस मेडिकल सामग्री को हांगकांग से भारत के लिए भेज दिया गया है तथा कुछ ही दिनों में ये बिलासपुर पहुंच जाएंगी। मैं मयंक वैद नोआ गांव कोठीपुरा राजपुरा बिलासपुर से रहने वाला हूं और मेरे को ये काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मैं इस समय में हमारे लोगों के लिए मैं कुछ हेल्प कर सकता हूं। जहां तक हो सके ये मेरी जिम्मेवारी है, ये मेरी ड्यूटी है, जहां तक जो हम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए, ना सिर्फ बिलासपुर के लिए बल्कि हिमाचल के लिए, भारत के लिए। और ये मैं कॉन्सनट्रेटर्स, ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स चाइना और हांगकांग से मैंने ख़रीदे हैं। 24 पीस हैं और 2 पीस मैं भेज चुका हूँ हिमाचल टेस्ट करने के लिए कि कैसे कुरियर कैसे चलेगा, लॉजिस्टिक्स कैसे लगेंगे, टैक्स कैसे होगा। तो मुझे खुशी है कि 2 कॉन्सनट्रेटर पहुँच गए, टाइम पे पहुँचे। भारत सरकार ने ड्यूटीज़ हटा दी हैं, बल्कि फिर भी IGST पे करना पड़ता है, इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स फिर भी 12% है। आई होप कि वो भी हटा दे गवर्नमेंट, लेकिन फिर भी हमें काफ़ी कन्वीनियंस है कि हम ये भेज सकते हैं कॉन्सनट्रेटर्स। ये मैं कुरियर के थ्रू भेज रहा हूँ DHL, क्योंकि DHL टाइम पे भी पहुँचाएगा और उस पर मेरे को काफ़ी विश्वास है, सिक्योरिटी सेफ्टी भी है, इंश्योरेंस भी मिल जाता है। एक कॉन्सनट्रेटर 5 लीटर ऑक्सीजन बनाता है हर मिनट। इसका मतलब ये है कि जिस पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत है वो सिर्फ इस कॉन्सनट्रेटर को बिजली, मेंस बिजली के साथ कनेक्ट करना है और फिर ये हवा में से ऑक्सीजन को बाकी गैसेस से अलग करके ऑक्सीजन को और कॉन्सनट्रेट करके पेशेंट को नेजल नाक के थ्रू दे सकता है। मेरे को ये दुख है कि मैं खुद इंडिया में नहीं हूँ और खुद ये काम नहीं कर सकता, लेकिन जहाँ तक हो सके मैं अपनी ड्यूटी निभाऊंगा और मुझे यही उम्मीद है कि जो भी हमारे देश के इंडियन NRI विदेश में हैं, चाहे इंडिया में हो चाहे विदेश हो, हमें अपनी ड्यूटी इस टाइम में करनी है और ये हमारी जिम्मेवारी है। ये जो कॉन्सनट्रेटर्स हैं कल मंडे को निकल जाएंगे और मेरे को उम्मीद है कि अगले हफ्ते या 10 दिन के अंदर बिलासपुर पहुंच जाएंगे। मैंने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारे DC, STM और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के CMO हैं, उनको भी मैंने इन्फॉर्म कर दिया है कि ये मशीन्स आ रही हैं। वहाँ पे पहुँचने के बाद मैं इमीडिएटली इन मशीन्स को आपको बता दें कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वो मशीन है जो हवा से ऑक्सीजन को अलग करती है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हवा को अपने भीतर लेकर उससे अन्य गैसों को अलग करके शुद्ध ऑक्सीजन की सप्लाई करती है। इससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से लेकर जाया जा सकता है और इसका प्रयोग भी आसान है।